दूसरी तरफ बात करी जाए आप ये दिस फाइट बिटवीन द प्लेयर्स ऑफ टीम सोल एंड टीम कॉम्पिटेंट ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये मॉन्सन ऑलरेडी अर्ली ऑन इन द गेम भी पूरी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, गॉडी क्रॉस जरूर निकालते हुए यहां पर नजर आ जाएंगे बेट्रिक ही कम्स इन हॉट, दो नॉक से यहां पर निकाल दे, क्लच गॉड भी सामने एंड उनको भी टेक डाउन। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग एक वन वर्सेस वन में पड़ते हुए यहां पर इट इज गोइंग टू बी स्काउट वर्सेस द लास्ट प्लेयर। सी चेंज आता हुआ जोनाथन कमिंग आउट विद अ क्लच ओवर देयर। एक टाइम ऐसा लगा था कि टीम सोल माइट जस्ट वाइप देम आउट बट वो नंबर्स एडवांटेज फाइनली काम आता हुआ एंड टीम गॉट लाइक तीन फिनिश पॉइंट्स के साथ चारों के चारों खिलाड़ियों को सरवाइव करवाने में कामयाब जरूर रहेंगे यहाँ पे। वर्सेस स्टापन देर एक बार इसको एनालाइज करते हैं अच्छी तरीके से। अगर बात करें यहाँ पे रिगल्टोस की, देखिए अकेले से प्लेयर यहाँ पे फंस चुके थे, स्काउट थोड़ा सा दूर थे, वाइपर थोड़ा सा दूर थे, सारे प्लेयर एक एक करके यहाँ पे जैसे ही आगे आने की कोशिश कर रहे थे टीम गॉड लाइक के। देखिए एक एक करके नहीं, दो दो करके यहाँ पे प्लेयर आए। पहले रिगल्टोस ने एक नेट कुक करा, नेट वहां पे डाला गया, नेट से थोड़ा सा डैमेज मिला वहां पे प्लेयर को, तब रिगल्टोस ने पीक किया। सही पोजिशनिंग थी, सही टाइम था, पीक करा, एक प्लेयर को नॉक करा, उसके बाद जो नियो कवर में थे उनको नॉक कराया गया, उसके बाद तीसरे प्लेयर जो क्लच गॉड गाड़ी से आ रहे थे उनको नॉक करा गया, उसके बाद यहाँ पे जोनाथन आते हैं, जोनाथन फिनिश करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ दिस फाइट इज के यहाँ पे चारों प्लेयर जिंदा हैं। इवन दो तीन प्लेयर को नॉक करा गया था, स्काउट थोड़ा सा पीछे चले गए, स्काउट थोड़ा सा लेट हो गए। जितनी देर में स्काउट एक ऐसी पोजीशन में जाते हैं जहां से वो कवर प्रोवाइड करते हैं, उतनी देर में गॉडलक ने रश कर दिया। और यही तो गॉडलक की खासियत है कि वो वेट नहीं करते हैं किसी के लिए।